गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री के 50% एग्जाम हो चुके हैं और रिमेनिंग कुछ अभी बाकी हैं, चल रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट से मिले तो पता चला कि मैथ्स इंग्लिश थोड़ा सा इस बार मॉडरेट है, मैथ्स का पेपर और रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो सारा पेपर कैलकुलेटिव नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव आ रहे हैं। इसलिए आप जब पेपर, बाकी जिनका बचा हुआ है वो लोग जब पेपर देने पहुंचे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग में 22-23 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और बाकी पेपर बहुत इजी है, इजीली आप स्कोर कर सकते हो और कट ऑफ कोई हाई नहीं रहनी। इस बार कट ऑफ जो रहनी है वो 115-125 के बीच में है। दोस्तों, आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि कुछ इधर उधर से रोज फेसबुक पे घटनाएं, ये वो, कोई टॉपर्स को खरीद रहा है तो कोई टॉपर बेच रहा है। टॉपर्स की बात न करके हम बात ये करेंगे सिलेक्शन, आपके यहाँ संस्था में स्टूडेंट कितने थे और सिलेक्शन कितने हुए, तब आपको रियल कहानी पता चलेगी। और क्या आप पढ़ा रहे हैं क्लासेज में बच्चों को? बच्चा इस बार तो सिलेक्शन नहीं लिया, क्या इतना तो एलिजिबल हो, नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन ले लेगा। बाकी दोस्तों, आप सब जानते हो कि आसपास कितना क्या माहौल है। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मेंस में अपने पास टाइम बहुत कम रहेगा, लगभग 2 महीने 10 दिन के आसपास हमारे पास हैं। उसमें सबसे मेन चीज़ है कि हम अपने जो प्री में पढ़ा है पिछले साल, या फिर जिसने भी तैयारी की है, या मैथ स्पेशल बैच में जो भी आपने पढ़ा है मेरे में, वो नोट्स आप निकालें और उनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, 4, 5, 6, 7 बार, जितनी बार क्वेश्चन आप करते हैं वो करते जाएं। प्लस एक कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे एक बात ये है कि जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आपको लगे ये नहीं आ रहे उस टॉपिक में, तो एक स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल में, या फिर आप अलग से उनको नोट कर लें और उनको बार बार सोल्व करें। प्लस मदर्स ने एक 60 टेस्ट का एक बूस्टर प्लान लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 60 टेस्ट 30 मैथ्स के 30 इंग्लिश के होंगे, यानी आप वीकली 6 टेस्ट आप आराम से दे सकते हैं, 3 मैथ्स के 3 इंग्लिश के, और उनकी यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं 3 से 4 बार, तो आप 100%, जैसे अपने यहाँ पिछली बार भी दो स्टूडेंट्स के 197.5 मार्क्स थे, 190 प्लस 20 स्टूडेंट थे। तो ये सारी चीज़ें आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करें। दोस्तों, अपने यहाँ स्टाफ हैं और मदर सारेस में HOD हैं, पिछली बार Tier 3 में इन्होंने पढ़ाया, तो इनको बच्चों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई कि सर ये प्रॉब्लम्स हुई, तो धीरज सर हैं जो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। धीरज सर, बताओ बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स उन बच्चे बता रहे थे और क्या क्या उनके वो सॉल्यूशन हो सकते हैं, और इस बार क्या ध्यान रखें बच्चे मेंस ज्वाइन करने से पहले। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं नेहरा सर और राव सर दोनों को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बच्चों से रूबरू हो पाऊँ। और देखो बच्चों, मुझे जो Tier 3 के दौरान कई विद्यार्थी जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है, सबसे पहले उसकी क्या इतनी इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार ये हमारे सिलेक्शन को प्रभावित करेगा। तो मैंने हमेशा उनको ये बात कही कि जब मेंस का एग्ज़ाम आपका हो गया है तो अब तो आप पहले उसको छोड़ दो कि वो कैसा हुआ और क्या हुआ है, और आप अपने Tier 3 पे लग जाओ। Tier 3 के दौरान कई बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि सर पिछली बार जब मैं Tier 2 की कोचिंग करने के लिए गया तो मुझे पता चला कि संस्थान ए में मैंने एडमिशन लिया और 5 या 10 दिन बाद पता चला कि जिस टीचर के दम पे मैंने एडमिशन लिया तो वो टीचर किसी और संस्था बी में चला गया, और इस वजह से सर मैं अपने आप को एकाग्रित होकर नहीं पढ़ पाया और Tier 2 में मेरे मैथ्स के नंबर सर कम हो गए। जितना मैं सोच रहा था कि मैं 190 प्लस स्कोर कर पाऊंगा तो वो मैं सर 170 प्लस पे आके अटक गया। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर कई बार हम सोचते कुछ और हैं, तैयारी का नज़रिया कुछ और होता है, लेकिन अंत समय पर जाते हम हमारा ट्रैक जो है बदल देते हैं, जिससे कि कारण असफलता हासिल होती है और सफलता से विद्यार्थी दूर होने लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि संस्था का चयन करते वक्त हमेशा इंसान को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए।
कि एक तो जो वहाँ पे संस्था में जो पढ़ाते हैं, क्या वो जो टीचर है वो एक साल, दो साल, पाँच महीने, छः महीने पहले भी संस्था में थे अथवा नहीं, और क्या वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कुछ टाइम बाद भी संस्था में रहेंगे और नहीं। और इसके साथ साथ ये भी देखो कि उनका क्लासरूम से क्या रिजल्ट रहता है, क्लास में कितने बच्चे उनके पास पढ़ते हैं और कितने लोग सेलेक्ट हुए क्लासरूम में पढ़ने के बाद। दोस्तों ये संस्थान जो भी एक्स वाई जेड है, हम नाम किसी का लेंगे, उन संस्थाओं ने जो पढ़ाया टीयर टू के दौरान, कितने क्वेश्चंस उन संस्थाओं ने टच किए और कितने क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस करवाई क्लास के अंदर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है, एक हमसफ़र होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, कि आप किसी भी संस्था में एडमिशन लें तो इन तथ्यों की जानकारी अवश्य करें। और मुझे मेरे राजस्थान के साथियों पर तो बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि वह हर कोई भी निर्णय लेंगे तो वो ज़रूर सोच समझ कर लेंगे। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सफलता के नज़दीक पाएंगे अपने आप को, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं, और ऑल द बेस्ट बोलूंगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। और नेहरा सर और पवन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं आपसे रूबरू हो पाऊँ। और अब मैं नेहरा सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने कुछ शब्द आने वाली परीक्षाओं के लिए बच्चों को दें। नेहरा सर। दोस्तों देखो, जैसा सर ने बताया वो चीज़ें तो ध्यान में रखनी है। एसएससी मेंस की कुछ बातें हैं जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जिस दिन आपका प्री का एग्जाम कंप्लीट हो जाए या हो गया हो, तो आज से ही आज इवनिंग से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। डेली फिक्स कर दो 5 आवर मैथ्स और 5 आवर इंग्लिश। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ मैथ्स स्टूडेंट जो है ओनली जिसको मैथ्स आती हो मैथ्स के ही लगा रहता है, या जिसको इंग्लिश आती हो इंग्लिश के ही लगा रहता है, दूसरा सब्जेक्ट टच नहीं करता। इसलिए ध्यान रखें कि जितने आवर्स आपको जो सब्जेक्ट आता है, जितने घंटे आप उसको पढ़ रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट को भी उतने ही घंटे पढ़ो। प्लस मैथ्स के लिए मैं एक छोटी सी बात, दोनों सब्जेक्ट के लिए एक एक बात जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके स्कोर को मतलब बूस्ट कर देगी, जितना आप सोचते हो उसे 20-30 मार्क्स कम से कम। पहली बात ये बताऊंगा कि मैथ्स में जो पढ़ें, चाहे कोई भी टॉपिक, जैसे आपने 400 क्वेश्चन किए हैं, 500 क्वेश्चन किए हैं, वो एक ही टॉपिक के जो आपने 400-500 क्वेश्चन किए उनको 3-4 बार कम से कम करें, न कि दूसरी 5-6 बुक पढ़ने की बजाय। और इंग्लिश में मैं एक बात जो बताना चाहूंगा वो ये है कि आप डेली कम से कम 2 आवर्स, जैसे 5 घंटे आप यदि मैथ्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 5 आवर्स इंग्लिश को दे रहे हैं, तो डेली कम से कम 2 आवर्स जो है वो आप इंग्लिश में न्यूज पेपर पढ़ने के लिए दें, क्योंकि आपका मैथ्स का 200 में से 100 मार्क्स ग्रामर है, और 100 जो मार्क्स है वो कॉम्प्रिहेंशन है, और कॉम्प्रिहेंशन को टीचर पढ़ा नहीं सकता, प्रैक्टिस करवा सकता है। उसके लिए हमने भी एक 1 आवर जो रखा है प्रैक्टिस के लिए, कि 1 आवर आपका जो 4 आवर्स का क्लासरूम प्रोग्राम है उसमें 1 आवर प्रैक्टिस क्लास रहेगी, जिसमें आपको PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज वगैरह सारी चीज़ें आपको, कट ऑफ सारी चीज़ें आपको मतलब डिस्कस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। डेली आपके लगभग 50-100 क्वेश्चन पैसेज और क्लोज टेस्ट और PQRS से होंगे। बट सबसे मेन चीज़ है कि आप डेली कम से कम 1 आवर या 1.5 या 2 आवर्स जो है वो न्यूज़ पेपर के साथ बिताएं, उसमें मीनिंग्स इकट्ठे करें और उनको बार बार पढ़ें। सबको बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों बार बार जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी इस बार अप्रॉक्स, तो कट ऑफ मैं फिर बता रहा हूँ 115 से 125 के बीच में रहेगी जनरल की। जिनके भी इनके आसपास मार्क्स आ रहे हैं वो आज से स्टार्ट कर दें, और जिनके नहीं आ रहे स्पेशली वो जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि यदि मान लो इस बार आपका कट ऑफ 111 मान लो कट ऑफ 115 मार्क्स रही और आपके 114 आ रहे हैं, तो आपको अगले साल तो एग्जाम देना ही है। इसलिए आज से ही मैथ्स और इंग्लिश से स्टार्ट कर दें, यही आपके इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और लगे रहो और दिखाओ कि राजस्थान जितने सिलेक्शन दे सकता है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है इंडिया में कि SSC में इतने सिलेक्शन कहीं और से हो। थैंक यू।